हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी का 30 क्वेश्चन का एक जबरदस्त सेशन लाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कक्षा फिफ्थ का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता, इससे निपटने का सर्वोच्चतम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। सेकंड है उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। थर्ड है अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। फोर्थ है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो यहाँ पे क्या है, एक बच्चा है फिफ्थ क्लास का, तो वो क्या कर रहा है, वो अध्ययन वो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में वो अपना दत्त कार्य नहीं कर रहा, तो क्या क्यों नहीं कर रहा, इसका हम क्या करेंगे। तो टीचर होने के नाते में उसकी अनियमितता का कारण पता करेंगे और उसे परामर्श देंगे कि वो नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे परामर्श देंगे बेटा ऐसे नहीं, ऐसे हमें कार्य करना चाहिए। तो इस हिसाब से हम क्या हमारा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ में। यह पढ़ाते समय के कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह तरोताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। फर्स्ट ए है उसे कटोरी में रखती है और कटोरी को कुछ खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी है उसे धूप में खुला फैला देती है। सी है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस सामग्री की ओर संकेत कर रही है। तो यहाँ पे बी के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, जैसे कि तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें बी में क्या दिया गया, एक गीले कपड़े में लपेट कर रख देती है। अगर हम गीले कपड़े में हरी सब्जियों को लपेट कर रखेंगे तो कुछ समय तक तो वो क्या चल जाती है, मतलब सूख नहीं पाती है, तो यही कारण होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट वाला पके हुए चावल, सेकेंड है प्याज लहसुन, थर्ड है हरा धनिया, फोर्थ है काजू बर्फी। आपको आंसर मिल गया होगा क्योंकि हम लहसुन प्याज आराम से रख सकते हैं, पके हुए चावल तो रख ही सकते हैं जो कि और फॉलो कर रहे हैं इसमें। अगर हम हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रख देंगे तो वो क्या है कुछ समय तक, ज्यादा समय तक चल जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा फिफ्थ के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। देखो सीटेट में सब बहुत होता है, इसलिए हमें गलत आंसर देखकर देना है आराम से, क्वेश्चन को आराम से भी केयरफुली पढ़िए, पहले आंसर देखिए फिर उसके बाद में क्वेश्चन देख के तब आंसर दीजिए कि क्वेश्चन में पॉजिटिव में पूछा है कि आंसर गलत में पूछा है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। सेकंड है हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। थर्ड है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। फोर्थ है ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। तो देखो यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो अगर हम पेन की बात करें जो पेन की नोक से लिखते हैं वो क्या घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं हम लोग। अगर हम चलते हैं तो जूतों में जो जमीन में बीच में जो घर्षण लगता है उसके कारण ही हम चल पाते हैं। ब्रेक जो लगता है तो वाहन उसकी वजह से रुक पाते हैं जो घर्षण लगता है, ठीक है। तो ये कारण है। अगर हम बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, इसका हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट थर्ड वाला, कि ऊपर से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण ना आकर वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आ पाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति हुआ दिखाती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। थोड़ा एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे बाकी के, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑप्शन है लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। सेकेंड है स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके बाहर की तुलना में ज्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके बाहर की तुलना में कम है। थर्ड है लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके बाहर की तुलना में ज्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके बाहर की तुलना में कम है।
फोर्थ है लोहे पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो जब हम लोहे की कटोरी उसके ऊपर रखेंगे, पानी के ऊपर रखते हैं, तो क्या है कटोरी का जो पृष्ठ तनाव होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कटोरी जो है वो क्या अंदर से खोखली है, तो अंदर से खोखली तो क्या है उसके ऊपर लगने वाले भार की तुलना में वो ज्यादा है, क्योंकि उसका जो चौड़ाई है वो उसकी ज्यादा है और वो वजन उस पर कम लग रहा है, तो इस कारण वो डूब नहीं रही है। और जब हम कील को रखते हैं तो कील का क्या है उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो कम है, उसका वेट वहां पे ज्यादा होता है, इसलिए वो डूब जाती है। तो वहां पे जैसे कि दिया है इज द करेक्ट आंसर थर्ड वाला, क्यों? क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि लोहे की या स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, तो इसलिए क्या वो डूब नहीं रही है, और लोहे की कील लगने वाला बल उसकी तुलना भार की तुलना में कम है, इसलिए वो वहां पे डूब जाती है। इज द करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं हरियाणा में। वायु प्रदूषण प्रकरण बनाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह की शिक्षण पद्धतियां को प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है पूरा प्रकरण करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, सेकंड है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण वृत्त चित्र दिखाना, थर्ड है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सरलीकृत करें, फोर्थ है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का स्वस्व पठन करने के लिए कहना और कल्पना या संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो देखो यहाँ पे हम जब वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जैसे कि यहाँ पे चार शिक्षकों ने चार प्रकार की शिक्षण विधियां अपनाई है, तो सबसे उचित कौन सी होगी, उसमें कहा गया कि दीपावली। अगर जैसे कि हम थर्ड वाला आंसर देखते हैं, इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं या ऑप्शन देखते हैं, तो उसमें कहा गया दीपावली से पहले वायु के नमूने इकट्ठा करें और दीपावली के बाद उसके नमूने इकट्ठा करें, फिर उनकी जांच करें तो उसमें गुणवत्ता में क्या अंतर आएगा, तो उसकी एक हम निष्कर्ष की सारणी बनानी है। तो उससे क्या होगा, हमें जो दीपावली से पहले प्रदूषण कम था और दीपावली से प्रदूषण बढ़ा दिवाली पटाखे की वजह से, तो उसके बारे में पता चलेगा। तो इसमें क्या है, बच्चे क्या इंक्लूड हो रहे हैं, बच्चे इसमें सक्रिय हो रहे हैं, तो उससे क्या बच्चे खुद सेल्फ यहाँ पे जांच पड़ताल कर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जिससे क्या बच्चों को खुद जानकारी मिलेगी। और दूसरा यहाँ पे सबसे जो मेन है यहाँ पे क्या, बच्चे यहाँ पे सक्रिय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका तनाव ग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, फर्स्ट है आक्रामक व्यवहार, सेकंड है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, थर्ड है बहुत बात करना, फोर्थ है हाइपर एक्टिविटी या अति सक्रियता। तो इस प्रकार की चीज इसमें दी गई है। तो जैसे कि हम बात करें कि जब एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करी तो इसका क्या हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, अति आक्रमण व्यवहार होगा, उसका आक्रमक कैसा होगा व्यवहार होगा, क्योंकि वो तनाव से ग्रस्त तो जल्दी क्रोधित होगा, गुस्सा आएगा उसे, तो आंसर इज द करेक्ट हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहे साथ साथ में। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, सेकेंड है पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरी के बारे में चर्चा करना, थर्ड है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, फोर्थ एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि पेरेंट्स और टीचर्स की में अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो जैसे हमें अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरी के बारे में चर्चा करना ये हमारा सबसे बेहतर तरीका होगा, क्योंकि हमें बच्चों के बारे में हमें पेरेंट्स से क्या जानकारी मिलेगी, बच्चा घर पर किस तरीके से पढ़ता है नहीं पढ़ता है, तो इस तरीके की हम बातें करेंगे तो उससे हमें थोड़ी सी आइडिया लगेगा बच्चे का तरीका क्या है पढ़ने का या घर पे कैसे क्रिएटिविटी करता है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण वायु प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण सुरक्षा सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करवाने, सेकंड है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, थर्ड है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने,
फोर्थ है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो क्या है वायु प्रदूषण की वजह से समस्या का सामना कर रहे हैं, तो संरक्षण पर्यावरण संरक्षण क्रिया में क्या करना होगा, तो सहयोग देने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्तिगत लोगों को वहाँ पर रहने वाले लोगों को। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो भी लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे, इससे बेटर होगा क्योंकि वहाँ पर क्या जो फ्यूल होगा तो वो कम जलेगा और उससे क्या जो वायु प्रदूषण होगा वो कम होगा। और क्या कि जहाँ पे हर व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यक्तिगत वाहन यूज़ करेगा तो वहाँ पर क्या होगा ज़्यादा पॉल्यूशन होगा क्योंकि साइलेंसर जो धुआं निकलेगा तो ज़्यादा पॉल्यूट करेगा, तो यही कारण होता है। तो इसलिए हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या मृदा में वायु है, सेकंड है क्या पानी के अंदर वायु है, सी है क्या हमारे शरीर में वायु है, डी है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो एक टीचर क्या है एक टॉपिक पढ़ा रही है वायु के बारे में, तो ये पूछा जाता है बच्चों से कि वायु कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है तो अगर हम बात करें तो वहां पर वो कहेंगे क्या पानी के अंदर वायु है, तो इस प्रकार के टॉपिक पढ़ाना ही सर बेटर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। निम्न में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, फर्स्ट है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सेकंड है सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना है, थर्ड है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, फोर्थ है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो ये दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे उचित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि हम सब्जियों को लाएंगे तो पहले उन्हें साफ करेंगे जिससे से फिर पानी से धोएंगे तब उन्हें काटेंगे और बनाएंगे पकाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायुकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और यह जगह गिरती है, उसके सहयोग पर या इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित चार विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। फर्स्ट है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, बी है स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, सी गुब्बारे में हवा भरना, डी दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांध और साम्य व्यवस्था में ले आने आए तब किसी गुब्बारे को फोड़ दें। उपरोक्त गतिविधि में से कौन सी गतिविधि वांछनीय परिणाम को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण पढ़ाते समय तो यहाँ पर वायु के बारे में जगह बताएंगे, तो वह वायु हर जगह या जगह गिरती है बताएंगे, तो उद्देश्य कौन सा सबसे हमारा उचित होगा ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो उसने कुछ गतिविधियाँ दी हैं, उन गतिविधियों में देखते हैं। तो जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि अगर हम बच्चों को खाली जो उल्टा बीकर लेकर पानी की सतह से पानी में आकर धकेलें तो क्या होगा वहां पर, क्या वो थोड़ा सा प्रेशर लगेगा तो वहां पर हमें क्या महसूस होगा कि वायु है इसमें, इसलिए यहाँ पे पानी में थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है या पे हमें थोड़ा बल देना पड़ रहा है, तो हमारा ए इज द करेक्ट होगा। अगर हम दो भरे हुए गुब्बारों एक छड़ से बांधें और समय व्यवस्था में ले आए और किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें तो वहां पर जो गैस निकलेगी जो हवा निकलेगी तो उससे हम पता चल जाएगा कि यहाँ पे वायु है। तो हमारा जो फॉलो करता है इसके अकॉर्डिंग ए और डी, तो ए और डी हमारे किसमें सेकंड में, तो इस द करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। एक विज्ञान शिक्षिका स्वस्थ प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं, यह किसके कारण हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन हुआ कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी, सेकंड है हुआ उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, थर्ड है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, फोर्थ है शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है।
तो जैसे कि शिक्षिका सोशल टॉपिक पढ़ा रही है तो वो बच्चे नहीं सीख पाए, इसका कारण क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि हम बात करें वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंध संकल्पना को व्याख्यात करने पर या नहीं कर सकी, समझा नहीं पाई, तो यही कारण हो सकता है। और यह सही शिक्षण विधियों का उसने प्रयोग नहीं किया, तो ये कारण हो सकता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं को निम्नलिखित चार प्रक्रमों से या क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। रेत और नमक को क्या करेंगे, हम अलग करेंगे, तो कौन सा क्रम सही होगा। तो फर्स्ट है निसंदन, निस्तारण, बाष्पन, अभिसादन। सेकंड है बाष्पन, अभिसादन, निस्तारण, निसंदन। थर्ड है निस्तारण, अभिसादन, बाष्पन, निसंदन। फोर्थ है अभिसादन, निस्तारण, निसंदन, बाष्पन। तो ये तरीका दिया गया है। अगर हम रेत को अलग करेंगे तो पहले अभिसादन करेंगे, फिर निस्तारण करेंगे, फिर निसंदन करेंगे, फिर बाष्पन करेंगे। कैसे कि पहले आपको जैसे रेत और नमक मिला हुआ है तो पहले हम क्या अभिसादन करेंगे पहले, तो तभी हमें क्या रेत और नमक अलग अलग होगा, फिर निस्तारण करेंगे, फिर बाष्पन से क्या वो लास्ट प्रक्रिया पे ऊपर आ जाएगा पानी, इस प्रकार से नमक क्या जमता हुआ चला जाएगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। रेखा की माँ के लिए योजना या रोजाना तालाब से लाई पानी में फिटकरी डालती है। रेखा की माँ है जो रोजाना पानी लेकर आई है तालाब से, उसमें क्या फिटकरी डाल रही है, ये क्वेश्चन में दिया गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है। फर्स्ट है पानी को रंगहित करने, सेकंड है हल्के निलंबन अपद्रव्यों को अवशोषित करने, थर्ड है कठोर जल को मृदु जल में प्रवृत्त करने, फोर्थ है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। तो यहाँ पे रेखा की माँ क्या पानी में फिटकरी डाल रही है जो कि तालाब से लेके आती है पर डे के हिसाब से। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम जैसे क्या हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवशासित करने में कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। भारोत्तोलकों को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर हो। तो भारोत्तोलक क्या है, वेट लिफ्टरों को कैसा आहार लेना है मांसपेशियों को अच्छी तरह बनाने के लिए, तो उसका क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड है वसा, फोर्थ है विटामिन। तो जैसे हम मांसपेशियों को अगर मजबूत करेंगे या अच्छा बनाएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। फर्स्ट है विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, सेकेंड है सैंपट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, थर्ड है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, फोर्थ है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है यहाँ पे, तो विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारिता के मतलब सक्रिय करने की बात हो रही है, तो कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसे बात करते हैं सबसे प्रभावी व्यूह रचना की, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, इसमें क्या स्टूडेंट सक्रिय होगा छात्र, और उनके समूहों को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करना सबसे बेटर तरीका होगा और प्रभावी होगी व्यूह रचना। इसका करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है सक्रिय हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन पानी को साफ करने, सेकंड जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, थर्ड है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलते रहने या घुलने देने, फोर्थ है मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने। तो जो आपने एक्वेरियम देखा होगा या मछली घर बोलते हैं उसे, तो उसमें पंप लगा होता है हवा के लिए, तो उसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए उसमें हवा दी जाती है जो कि मछलियों को मिलती रहती है पानी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड वाला।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते हैं साथ साथ में दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अंजलि की सहेली दांतों में छह से बचने के निम्नलिखित चार तरीके बताती है। ए, दिन में दो बार ब्रश करें। बी, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रशेज पहने। सी, मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ पेय पदार्थ ना लें। डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो अंजलि की फ्रेंड उसे बता रही है कि हमें दांतों के छह से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो तरीके बताएंगे। जैसे अगर बात करती हैं यहाँ पर, तो पहले तो मैं जैसे कि सी मिठाई के अकॉर्डिंग, जैसे चॉकलेट्स मिठाई वगैरह में कार्बन युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए या पेय पदार्थ नहीं लेने चाहिए ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये हमारे दांतों पर जम जाते हैं। अगर हम डी की बात करते हैं तो खाना खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, तो डी हमारा फॉलो कर रहा है। अगर हम ए की बात करें तो दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, तो सुबह मॉर्निंग में और शाम को नाइट के सोते समय, सोने से पहले, तो हमारा ये इसका फॉलो कर रहा है सी डी और ए। तो सी डी और ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे, सेकंड को फॉलो करें तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, दिख रहा है वैसे तो। नीचे दिए गए वैन आरेख का अध्ययन कीजिए। वैन आरेख बना हुआ है तीन गोले से, इसमें जमीन पर रहने वाले जीव जंतु एक गोले का है, दूसरे गोले का दिया पानी में रहने वाले जीव जंतु दूसरे गोले का है, तीसरे गोले का अंडे देने वाले जीव जंतु, तो इस प्रकार के गोलों को मैंने जीव जंतु का नाम दिए गए और तीनों गोलों को कनेक्टेड कर दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? तो एक्स में क्या है, ये यहाँ पे जो एक्स दिया है, यहाँ पे इस जगह पे एक्स दिया है, तो वो कौन सा आ रहा है? देख रहे होंगे आपकी जमीन पर रहने वाले जीव जंतु भी यहाँ पे गोला आ रहा है, और पानी में रहने वाले भी जीव जंतु, और अंडा देने वाले जीव जंतु, तो यहाँ पे तीनों ही चीजें आ रही हैं, तो कौन सा हो सकता है? तो फर्स्ट मगरमच्छ, सेकेंड है इसमें ईल, सर्फ मीन, थर्ड है सार्क, फोर्थ है मछली। तो देखो यहाँ पर अगर हम जमीन पर रहने वाले बात करें तो सार्क ये भी क्या मछली होती है, ये कहाँ पर रहती है, पानी के अंदर रहती है, तो ये हमारा नहीं होगा। ये भी मछली क्या पानी के अंदर होती है, और सर्फ मीन ये भी मछली, ये भी क्या हमारा पानी के अंदर रहती है। तो मगरमच्छ को देखते हैं तो ये जमीन पर भी रहता है, पानी के में भी रहता है, और अंडे भी देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? फर्स्ट है वृद्ध और भोजन बनाना, सेकेंड है प्रजनन और भोजन बनाना, थर्ड प्रजनन और अंकुरण, फोर्थ है वृद्धि और प्रजनन। तो जो जीवन जो प्रक्रिया मिलती है उनमें से कौन से पेड़ पौधों में मिलती है और जीव जंतु दोनों में समान होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या है लंबाई चौड़ाई बढ़ते हैं, और हमारा भी जीव जंतु भी बढ़ते हैं और प्रजनन भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? कौन सा समूह क्या है आपस में निकटीय रूप में संबंधित है? तो फर्स्ट है मच्छर मलेरिया एनामिया सॉरी इनेमिया रक्तलापता के अध्ययन से लोहा, सेकंड है लोहा मलेरिया एनीमिया रक्त, थर्ड है लोहा हीमोग्लोबिन एनीमिया आमला, फोर्थ है मच्छर डेंगू लोहा और गुड़। तो यहाँ पर वो सबसे निकटीय समूह के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे निकटीय मच्छर बोलेंगे कि मच्छर जो होते हैं मच्छर से क्या मलेरिया फैलता है, एनामिया जो रक्तलाप से रक्त संबंधित बीमारी होती है वो लोहा तत्व से क्या कंप्लीट होती है, तो हमारा सबसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये आपस में क्या निकटीय संबंध रखती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, चैनल सब्सक्राइब कर लें। जब एक मछली को पहले से उबले पानी के सॉरी क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं मछली के तैरने के योग्य नहीं है, सेकंड है ऑक्सीजन रहित है, थर्ड है मछली द्वारा पानी पीने के योग्य नहीं है, फोर्थ है खनिज रहित है। तो जैसे कि अभी बोला गया क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मछली जो है कि एक मछली को लेंगे तो उबले लेकिन हमारे कमरे के टेम्परेचर के ठंडा पानी में क्या करते हैं उसे एक्वेरियम में डाल देते हैं और मछली के यहाँ पे तुरंत मर जाती है, तो
ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए करेक्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या पानी जब बॉइल कर देंगे तो वहाँ पे क्या पानी के खनिज रहित हो जाएगा, सिर्फ वो पानी रह जाएगा बॉइल पॉइंट फोड़ने के बाद में, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करें शेयर करें। निम्नलिखित कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट है हवा नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं, समतल सतह। सेकंड है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। थर्ड है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। थर्ड है हवा नहीं, गुरुत्वा नहीं, पानी नहीं। तो ये चांद की सतह के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, तो कौन सा इसे फॉलो कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पर क्या है पानी भी नहीं है और गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं हाथ हाथ में। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती है। ए यहाँ पे अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। बी ए पानी के बर्तनों, क्रय कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी ए यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव दें। डी ए स्वयं के बचाव के लिए जाली का उपयोग करें। तो यहाँ पर एक आरती क्या एक पोस्टर लगा के बैठी है और एक बीमारी के बारे में, रोकथाम के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पे संबंधित निम्नलिखित में से सावधानियां पढ़ती है, मतलब बताती है, तो वो कौन सी चीज क्वेश्चन में पूछी जा रही है, तो कौन सी रोकथाम के बारे में बात कर रही है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आरती है पोस्टर जो पढ़ रही है कि वो उसका जो संदेश है या उद्देश्य है कि वो अपने आसपास के पानी को इकट्ठा ना होने दें। जब आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे तो वहां पर क्या है जो मलेरिया और मच्छरों के बारे में बात की जा रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वहां पे क्या वो बैठेंगे ही नहीं, लार्वा नहीं देंगे और वो पनपेंगे नहीं। तो जैसे कि इसका सबसे बेस्ट तरीका होगा हम पानी को इकट्ठा ना होने दें, वैसे यहाँ पे चारों फॉलो कर रहे हैं, मगर सबसे जो बेस्ट आंसर है फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है यहाँ पर जब बात की जा रही है पानी में कूलर बर्तनों को टंकी को साफ रखें, ये तब बात बोली जा रही है। दूसरा बोला जा रहा है पानी को गड्ढा होने इकट्ठा ना होने दें, तेल छिड़क दें, तो क्या जब पानी को इकट्ठा हो तब तेल छिड़केंगे और अपने सोए के बचने के लिए जाली का प्रयोग करें। तो जब क्या ये बात की बात है जब आप कूलर में आपके क्या मच्छर पनप जाएंगे, मगर इससे पहले क्या हम पानी को नहीं इकट्ठा नहीं देंगे, तो ये सारी चीज़ें कंडीशन में फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे यहाँ पे सबसे जो बेटर हमारा तरीका होगा, जो उद्देश्य होगा, इसका फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट होगा यहाँ पे जो कि पोस्टर के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। सॉरी हमने यहाँ पे देखा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए नीचे, हमने क्या उन्हीं को ऑप्शन मान लिया क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन तो सही था वहाँ पे, अगर हमने क्या वो क्वेश्चन उनके अकॉर्डिंग आंसर दिया, मगर फिर भी देख लेते हैं एक बार। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना, सही बात है, पोस्टर के अकॉर्डिंग क्या जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वार, सेकेंड चेचक और मलेरिया, थर्ड है डेंगू और आई फ्लू, फोर्थ है टाइफाइड और हैजा। तो यह कौन सी बीमारी के बारे में बताया जागरूक किया जा रहा है, ये चीज़ पूछी बोली जा रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम लोग थोड़ा सा देखा नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी ऐसा, थोड़ा हम देख नहीं पाए नीचे की तरफ, हमने सोचा कि यही हमारे हो जाएंगे ऑप्शन होंगे, मगर हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन यही हो जाएंगे, मगर देखा कि ऑप्शन तो नीचे दिए गए, कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है जितने भी दिए गए, हमने सोचा कि यहाँ पे यहाँ से क्या ये सब बेस्ट होगा, जब यही काम नहीं होगा तो बाकी क्या हमें फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, तो ये भी क्या अपना एक तर्क दिया गया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हो जाता कभी कभी ऐसा, उसके लिए सॉरी। तो जैसे कि यहाँ पे क्या ये सारे क्या फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे ये मलेरिया के बारे में फॉलो करते हैं, कौन सा मलेरिया के बारे में फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे इसका हमारा जो आंसर होना चाहिए, इसका बेस्ट आंसर होगा हमारा सबसे फर्स्ट वाला होना चाहिए कि डेंगू और जापानी मस्तिष्क के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाता है, यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा। फर्स्ट ऑप्शन प्राकृतिक के प्रति सम्मान विकसित करने, सेकंड है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, थर्ड है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, फोर्थ है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजे लेना। तो यहाँ पे क्या है जब वनस्पति और प्राणी जात के बारे में बच्चों को भ्रमण करने ले आएंगे विद्यालय से, तो इसमें हमारा इससे जा रहा है कि इससे क्या कर रहे हैं हम
कक्षीय ज्ञान को या कक्षा के ज्ञान को या अधिगम को क्या वास्तविक जीवन से जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन हमारा, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, सेकंड है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री या भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, थर्ड है पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, फोर्थ है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो पोषण प्रकरण पढ़ाते समय क्या करना चाहिए शिक्षक को, ये क्वेश्चन में पूछा गया है जो सबसे बेस्ट और प्रभावी तरीका होगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा कि पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न भोजन की उदाहरण देनी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े पांच बिंदु ES है। तो अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियों करने के लिए कहती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दे दिया गया है, कोई बात नहीं, और भी दिया है नीचे, थोड़ा सा बाद में देखेंगे इसे। तो ये इस प्रकार दे दिया, क्वेश्चन काफी बढ़ा दिया, सीटेट में ऐसा होता है, क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं। तो यहाँ पे पहले कंडीशन देखते हैं, गतिविधियां ए, यहाँ पे बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें, बी है दो दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आय प्रवर्तनों को रिकॉर्ड करें, सी है पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पात्रक का काम करें, शिक्षक द्वारा की गई उपरोक्त गतिविधियों में इन पांच ES में से कौन सा शामिल नहीं है। ये क्या है? नहीं पूछा गया है, नहीं का मतलब होता है नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे एंगेज और एवलेशन मूल्यांकन के बारे में बात की जा रही है। तो ये थोड़ा सा इंग्लिश में क्वेश्चन दे दिया है, एक्सप्लेन ये बाहर का क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ पे हमारा इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे शामिल करना, एंजेस करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, तो इस प्रकार की चीज दी गई है। तो ES यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है। तो क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला, जो नहीं में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शामिल करना और एक्सप्लोर करना, ये इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में, थोड़ा सा पढ़ाई टेस्ट करेंगे। यहाँ पे सीटेट में क्या होता है कि थोड़े क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आते हैं, थोड़ा समझना होता है क्वेश्चनों को, थोड़ा सा इसीलिए टाइम होता है, वीडियो का लंबा होता है कोई बात नहीं, हमें थोड़ा एक्सप्लेन अच्छा मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा के अनुभाग को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारणों में रिक्तकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का उपयोग या प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया, बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया, ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि, यहाँ पर यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन काफ़ी, पहले देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, सेकेंड है बहुपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, थर्ड है मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, फोर्थ है दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर साधारण या साधारण के लिए सभी इंद्रियों में को शामिल करती हैं। तो यहाँ पर एक कक्षा में अनुभाग ए और अनुभाग बी, तो एक में तो पेट्रोलियम कोयला पढ़ाने के लिए क्या रिक्त भंडारणों का प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और दूसरे में बी में जो किया गया है कि आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया है, तो अनुभाग आगे बच्चे क्या समझ गए अच्छी तरह से, तो इसका कारण है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों से बेहतर साधारण के लिए सभी इंद्रियां को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से चीज दी गई है जैसे फोर्थ के अकॉर्डिंग, तो इस द हमारा बेस्ट करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दृश्य श्रव्य जो सामग्रियां होती है वो बच्चों पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ती है, कि उसमें बच्चे एक तो सक्रिय होता है और डायरेक्ट देखने के लिए मिलती है, तो इसलिए हमारी सारी इंद्रियों पर इफेक्ट पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे दिया गया और ऑप्शन थोड़ा नीचे दिए, एडजस्ट करेंगे।
एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना प्रभावी होगी। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा समझाएंगे यहाँ पे कि एक कक्षा है, यहाँ पे औसत से 4 कम ऐसे विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से समान लाने के लिए हमें क्या करना होगा और सबसे अच्छा उपयुक्त तरीका कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। पहले ऑप्शन देखेंगे कौन सा तरीका होगा। फर्स्ट, उन्हें अगली पंक्ति में बिठाना और उनके काम का सर्वेक्षण करना। सेकंड है, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसरण सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। थर्ड है, यह सुनिश्चित करना कि वे अनियमित रूप से विद्यालय आए। फोर्थ है, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्तिकार देना। तो देखो, जैसे यहाँ पे हमारा सबसे प्रभावी तरीका होगा वो होगा अभी कि हमें क्या करना होगा कि उनके अधिगम के कमजोर पक्षों को जानना होगा हमें सबसे पहले कि उसका कारण क्या है, फिर उनकी पहचान करनी होगी और उन्हें एक सुधारात्मक उपयोग उपाय देना होगा। इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। फर्स्ट, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। सेकंड, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। थर्ड है, प्रश्न लिखना और उनका निष्पादन करना या संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। फोर्थ है, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना करना। अपने तरीके दे दिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए सही तरीका कौन सा होगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, एक प्रश्न पत्र बनाने के लिए पहले एक डिजाइन तैयार करेंगे क्योंकि हमारा पेपर किस तरीके का होना चाहिए। फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन रखनी है। जैसे कि आपके क्वेश्चन देखा होगा कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिन्हें अति लघु बोलते हैं हम लोग, या लघु बोलते हैं क्योंकि उसमें क्या है, 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जिन्हें हम लघु क्वेश्चन बोलते हैं या दीर्घ लघु बोलते हैं। तो उन क्वेश्चन को रखते हैं कि वो फिर 10 नंबर के 8 नंबर जो भी 5 नंबर का होता है। तो उससे क्या एक पेपर तैयार किया जाता है कि जिससे क्या है हमें किस तरीके के क्वेश्चन देने हैं और दूसरा ये कि किस तरीके के चैप्टर से रखना है, कितना हमने पढ़ा दिया गया है। प्रश्न लिखना, प्रश्न लिखने का मतलब होता है कि हमने कितना पढ़ाया गया है और प्रश्न का लेवल कितना बड़ा होना चाहिए। फिर अंक योजना बनाना, हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पर कितने नंबर देने हैं। तो ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा और फर्स्ट वाला। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आगामी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट सेशन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ में। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में।